नमस्ते, राम राम। मैं हूँ मोनिका और सिंपल रसोई में था को स्वागत है। आज मैं सिंपल रसोई के अंदर बहुत ही बढ़िया और टेस्टी रेसिपी बनाबा वाली हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ स्नैक्स की रेसिपी, या फिर आप इन्हें नाश्ता में भी बना सको। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रेसिपी है यह, तो आप वीडियो ने लास्ट तक देख जाओ। और छोटा छोटा टिप्स हैं जो मैं आपने दे हूँ ताकि आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बन सके। तो चलो हमारी रसोई की ओर शुरू करा आज की टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स की यह रेसिपी। तो वाके लिए सबू पहली मैं ले हूँ सब्जियाँ। मैं ली दी गाजर, दो गाजर ली दी है और एक मैं शक्करकंद लियो है और आधी मैं लौकी ली है और हरा प्याज लीदा है, एक मीडियम में लाल प्याज लियो है और दो हरी मिर्ची है। अगर आप बच्चा के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्ची स्किप कर सको, नहीं तो आप कम तीखी वाली हरी मिर्ची इसके अंदर यूज़ कर सको और आप आपकी मन पसंदीदा सब्जियां भी इसके अंदर ले सको। तो मैं इन्हें बड़ा बाउल के अंदर निकाल ली हूँ सारी सब्जियां ने, और अंदर डालूँ मैं एक कटोरी चावल को आटो और आधी कटोरी मैं डालूँ इसके अंदर बेसन। बाइंडिंग के लिए आपने बेसन की इसके अंदर ज़रूरत पड़ी तो ये वजह आप बेसन आधी कटोरी लेवा। और अब मैं इसके अंदर डालूँ स्वाद अनुसार नमक, लौंग और काली मिर्ची, दो तीन में लौंग और 7-8 काली मिर्ची बांट और इसके अंदर डाली है और भुनो तक को जीरो, और लाल मिर्ची एक चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर ली दो है, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँ हल्दी और एक चम्मच में सूखो धनिया पाउडर डालूँ। मसाला ना आप कम ज़्यादा आपका हिसाब कर सको, आप कतरो तीखो खापो पसंद करो वहाँ हिसाब डाल सको। और अब मैं इसके अंदर डालूँ थोड़ो सो बट्यो तक को लहसुन और हरो धनियो, और दो चम्मच आपा इसके अंदर नींबू को रस भी ऐड किया। और अब एक चुटकी आपा इसके अंदर डाल लेवा मीठो सोडो ताकि अपना जो कटलेट बहनी वह एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बहनी। और दो तीन चम्मच आपा इसके अंदर डाला तेल का और अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। और अब अगर आपने इसमें पानी की ज़रूरत है तो आपने डालनो है, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालियो है, ज़्यादा ना डालियो है ताकि आपा इसका कटलेट आसानी से बना सका। तो आप देख सको ये कटलेट आसानी से बन गया है, बस आपने कटलेट बनावा जतरो ही इसका अंदर पानी यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ ना करना है। और अब आपने इन्हें कटलेट को शेप देना है, आप आपकी पसंद को भी शेप दे सको इन्हें। तो मैं इन्हें कटलेट को शेप दे हूँ, आप देख सको मैं दे रही हूँ विशान, आप भी दे सको। और अब मैं इन्हें एक प्लेट के अंदर रख दे हूँ, सारा कटलेट बनन तैयार हो गया है आप देख सको। और अगर साथ में ही आप हमारा वीडियो पर नया हो तो हमारा वीडियो ने सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा नया वीडियो सब पहले आपने मिली। और आपने अगर हमारा वीडियो पसंद आवे तो आप इन्हें लास्ट में लाइक ज़रूर कर जो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर भी कर जो। और अब आप इन्हें कह रहा स्टीम, तो मैं नीचे कढ़ाई के अंदर पानी ले लियो है और ऊपर मैं एक जाली वाली प्लेट रख दी और इसके ऊपर आप कटलेट ने रख देवा। और कम उकम आपने 15-20 मिनट के लिए इन्हें स्टीम करना है। अब मैं इन्हें 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँ और एक बार बीच में ज़रूर चेक करूँ 15 मिनट बाद कि अपना कटलेट पक्या है कि ना है। तो आप चक्कू की सहायता में देख सको, ये देखो आपके चक्कू के अंदर लग गया है, तो मतलब अभी आप 5 मिनट इन्हें और रख लो, 5 मिनट स्टीम और कर ले वहाँ इन्हें 5-10 मिनट के लिए मैं यानी और स्टीम किया है। और अब एकदम तैयार हो गया है अपना कटलेट और इन्हें मैं एक प्लेट के अंदर निकाल ले हूं। और अब आप यानी थोड़ा ठंडा कर ले वहाँ और वक़्त बाद यानी कट कर ले वहाँ। मैं काट रही हूँ विशान, आपने काटना है और छोटा छोटा इसका पीस करना है। और अपना कटलेट एकदम सॉफ्ट बढ़िया है, स्पंजी बढ़िया है, आप देख सको बिल्कुल भी कड़क न बढ़िया है ये। और आपा धीरे धीरे सारा कटलेट ने काटन तैयार कर लेवा, ये देखो मैं सारा कटलेट ने काट लिया है। और अब ले मैं एक तवो और वहाँ का ऊपर ले मैं 4-5 चम्मच तेल का, आप चाहो तो तेल कम भी कर सको, नॉनस्टिक तवो है तो अपना कटलेट नीचे चिपके कोई ना तो आप तेल कम भी ले सको, लेकिन मैं एक अंदर थोड़ा सा तेल ले ज़्यादा। और अब मैं इसके ऊपर डालूँ तिल, सफ़ेद तिल है ये, तिल थोड़ा सा गर्म होगा देवा और पछे आप इसके ऊपर डाल देवा तिल्ली, अगर आप चाहो तो राई भी इसके ऊपर डाल सको थोड़ी सी, और मैं ओनली तिल्ली डाली है, राई ने डाली। और अब आप ये कटलेट ने इसके ऊपर रख देवा और थोड़ा सा आप धीमी आँच पर सेक लेवा यानी ताकि अपना कटलेट क्रिस्पी भी हो जावे और अंदर सॉफ्ट भी रहे,
तो इन्हें टेस्टी बनाबा के लिए आप यानि थोड़ा सा सेक लेवा, आपको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और वाके बाद में आप यानि उतार लेवा। और अगर आप तेल में सेक खाबो पसंद ना करो तो आप इन्हें स्टीम करन भी खा सको, डायरेक्ट बिना सेका भी आप इन्हें चटनी के साथ में खाओ, बहुत ही टेस्टी लगी अपने ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कर जो, आपने बहुत ही पसंद आई ये रेसिपी। तो अगर आपने मारू वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जो, और साथ में बेल बटन दबाओ बिल्कुल भी मत भूल जो। और अब आप देख सको बहुत ही बढ़िया कलर आयो है और बहुत ही टेस्टी नाश्तो बनन तैयार हो गयो है। आप इन्हें स्नैक्स में या नाश्ता में दोनों ही रूप में खा सको। और आप देख सको मैं इन्हें आपने तोड़न दिखाऊं, ऊपर एकदम क्रिस्पी और अंदर एकदम सॉफ्ट है यो। आप ये रेसिपी ना आपके डाइट प्लान में भी शामिल कर सको, बहुत ही हेल्दी है और साथ में बहुत ही टेस्टी भी है। और बच्चा के टिफिन में भी आप इन्हें रख सको, बहुत ही कम समय के अंदर यह रेसिपी बनन तैयार हो जावे। और साथ में आप हमारा वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों के साथ में आसानी अच्छा अच्छा वीडियो शेयर करती रहूँ। तो पाछे मिला एक और नई रेसिपी के साथ में। आज के लिए इतना ही, राम राम सा।